Hello guys, good morning, welcome back to my new vlog, and today we are going to Luxembourg and Belgium. Are going in a car this time pe, and the first road trip in Switzerland with this guy and this guy. Both are not at all interested in coming in the video, but so yeah, hum log road trip pe ja rahe hain. This is the first road. Humne 150 km already cover kar liya hai, and the 300 km is still left, and I am not sure ki yahan se gaadi dikh rahi hai ki nahi. Ek break liya hai first after 150 km. चलते हैं आगे थोड़ी देर में. So guys, we have reached Luxembourg, and I'll quickly give you guys my room tour, जो मेरा होटल है उसका. तो क्या, let's go inside my room. हाँ, यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले तो पिन डालना है. मतलब अंदर लोग हैं तो अभी तो पिन दरवाजा खुला है. हेलो, चले अंदर. मीत सुशील कुमार. अंदर घुसते ऑन द राइट इज आर टॉयलेट. छोटू सा टॉयलेट है, छोटू सा, इतना सा. और घुसते ही यहाँ पे सिंक, ये है शावर वाला एरिया. फिर घुसते यही एक बेड है. अपन तीन लोग हैं. वो रहा लड़का, आते लेट गया. ये सुशील बाबा. यहाँ डबल बेड, ऊपर बंक बेड, टीवी, मी, एंड दिस इज इट. इतना ही है यार रूम. ठीक है यार, क्या ही है जी, सोना ही है हमें. रात को आके सोना ही है, सही बात. करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, फिर चलेंगे बाहर, देखते हैं कि सिटी कैसी है, कंट्री कैसी है. बेसिकली हम लोग स्विट्जरलैंड से बाहर आ गए. दिस इज अ डिफरेंट कंट्री. लग्जमबर्ग क्या है ना कि छोटी सी कंट्री है. फ्रॉम लग्जमबर्ग वी विल बी गोइंग टू सम अनदर कंट्री व्हिच आई विल कवर इन द नेक्स्ट ब्लॉग. और छोटी सी कंट्री है, मतलब लोग भी बहुत कम हैं. बट अभी हम लोग सिटी सेंटर में हैं. सिटी सेंटर यहाँ पे थोड़ा सा क्राउडेड है, एंड अभी फ़िलहाल तो कोविड रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, बिकॉज केसेस तो यहाँ पे भी थोड़े लोअर हैं. तो अपन लोग मस्त घूम रहे हैं इधर भी सिटी सेंटर पे. तो देखते हैं अभी कहाँ पे जाते हैं. बट अभी कोई आइडिया नहीं कि इस कंट्री में कहाँ पे कैसे घूमना होता है. वी आर जस्ट गोइंग रैंडमली टू सम प्लेसेस और एक्सप्लोर करते हैं सिटी का, बेसिकली कंट्री. एंड एज फार एज आई रेड, देर आर कपल ऑफ प्लेसेस टू गो अराउंड, बट ज़्यादा कुछ नहीं है. और कंट्री इतनी छोटी है कि आप मतलब एक डेढ़ घंटे में मतलब फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ द कंट्री पूरा कवर कर सकते हो. तो या तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी छोटी होगी. बट या लेट्स गो अराउंड सम प्लेसेस. यार हम लोग लग्जमबर्ग आके भी हम लोग ने इंडियन रेस्टोरेंट में एक जगह खाना खाया, एंड वहाँ के जो ओनर थे और वो उनका मतलब रूट्स
मेरे होम टाउन से हैं, विच इज अल्मोड़ा, मतलब जहाँ पे होटल का नाम तो बता, होटल का नाम होटल सूर्या होटल, उसके बारे में बता रहा, उसके बारे में बोल ही नहीं रहा होटल सूर्या। मैंने तुमसे ऐसा क्या कह दिया कि तुम यहाँ आ गए? आई गिव यू द लिंक फॉर दैट होटल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगर 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 आप आते हो यहाँ पे, बिकॉज खाना इसका बहुत अच्छा था। इसका शेफ ही टोल्ड अस कि वो दिल्ली का है, 10 साल कुछ तो उधर रहे, तो और जब इंडियंस आते हैं तो कुछ बोल रहे थे कि स्पाइसेस फिर उसी हिसाब से लोग एडजस्ट कर देते हैं उन लोग इंडियंस के लिए, तो नहीं जो भी था अच्छा था खाना, वेरी गुड, बहुत अच्छा, काफ़ी अप्रिशिएटेड। एंड या अब हम लोगों ने उनसे पूछा कि आसपास क्या घूम सकते हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि देयर इज अ कासल नियर बाय कुछ तो, और कोई ग्लास ब्रिज है, तो आई थिंक ढूंढ रहे हैं हम लोग, वो देखते हैं कि कहाँ पे, तो अगर मिलता है तो उधर ही जा रहे हैं। सो गाइस द बिल्डिंग विच इज एट द बैक ऑफ मी राइट नाउ, इट्स एन ओल्ड एज होम, ये थोड़ा सा ही मतलब जहाँ पे हम लोग का रेस्टोरेंट, जहाँ पे हमने खाना खाया वहाँ से थोड़ा सा दूर है, बट दिस इज सो वेल मेड कि आई डोंट नो कि आपको कैसा लग रहा होगा। इसका आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, मतलब देखने में, एंड द पीपल गोइंग इनसाइड, आई जस्ट हैड अ कॉन्वर्जेशन विद वन ऑफ द ओल्ड पीपल, दे वांट एबल टू स्पीक इंग्लिश, बट ठीक है यार, मतलब कुछ तो इमोशनल थे वो लोग भी, तो आई डोंट नो कि जो भी रीज़न होगा जो यहाँ पे रह रहे हैं, बट या ओके। सो गाइस जो आपको अभी सामने दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, दैट इज़ द कासल फोर्ट, जो अंकल ऊपर वहाँ पे रेस्टोरेंट के बोल रहे थे। एंड द ग्लास ब्रिज वाज नथिंग यार, बस एक ऐसे छोटा सा ब्रिज था, एक छोटा सा पैलेस था वहाँ पे ग्लास का, जहाँ पे आप खड़े होके नीचे कुछ देख सकते, बट कुछ नहीं, वर्थ नहीं था वो, तो जस्ट केम डाउन फ्रॉम देयर। बज रहा है शाम के 7:15 और दो तीन जगह गए यार हम लोग, ज़्यादा गए नहीं बिकॉज प्लान नहीं था बेसिकली, हम लोग मतलब ऐसे ही रैंडमली जहाँ पे भी मैंने वहाँ पे जा रहे हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक जगह नहीं है, बट हाँ वो जो कासल बोला था उनने वो देख लिया, और वो जो ग्लास वाला जो ब्रिज था वो देख लिया, और अभी आई जस्ट मतलब हम एक ही जगह था मैं यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत ड्रोन उड़ाया, आई थिंक अभी तक शॉर्ट्स डाल ही चुका हूँ मैं, तो बस और कुछ नहीं यार अभी, बस ऐसे ही टहल रहे हैं, टाइम पास चल रहा है। और द सिटी इज़ वेरी गुड, बेसिकली लग्जमबर्ग के दो पार्ट्स हैं, एक नॉर्थ एंड साउथ, तो हम लोग अभी फ़िलहाल साउथ ऑफ लग्जमबर्ग में हैं, और सिटी की वाइब बहुत अच्छी है यार, मतलब अगर यंग जनरेशन कोई यहाँ पे आना चाहता है बेसिकली फ्रॉम 20 to 40, ज़्यादा तो मेजॉरिटी लोग जो भी दिख रहे हैं यहाँ पे 20 to 40 वाले दिख रहे हैं, एंड आई थिंक यहाँ पे भी ज़्यादा टूरिज्म की वजह से ये सिटी चलती है, बिकॉज बहुत लोगों को देखा मैं यहाँ पे कि सब इंग्लिश में जनरली बात कर रहे हैं, और फ्रेंच यहाँ पे ज़्यादा बोली जाती है बिकॉज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इज़ फ्रेंच, बट यहाँ पे मेरे को लोग ज़्यादा इंग्लिश में बात करते हुए दिखे, तो या द सिटी इज कूल, काफ़ी अच्छी वाइब है यार सिटी की, मतलब बहुत काम है, काम तो नहीं बोलूँगा मैं यार, बट बेसिकली फॉर अ यंग जनरेशन, नॉट फॉर ओल्ड पीपल। और बीच में हमें बीच यहाँ पे एक पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड यहाँ पे, तो यार ये सब तो आजकल तो हर जगह ही हैं दिखे थे, बट या दैट्स प्रीटी मच।